दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टूडियो मास्टर के जो मिक्सर है ORV 1822 इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं, और जो भी कुछ है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और इसका जो आउटपुट है, इसका जो प्रोसेसर है, इफेक्ट प्रोसेसर, वो कैसा है मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, और वो टेस्टिंग होगी जागरण की। तो दोस्तों पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखें। आखिरी में आपको इसी वीडियो में यानी कि प्रोग्राम के दौरान ही मैं आपको इफेक्ट समझाऊंगा कि मैंने क्या इफेक्ट किस हिसाब से सेट किया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी है जो समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर का ORV 1822 मिक्सर जो कि 18 चरण का है। ये बॉक्स है इसका, और इसको अनबॉक्स करते हैं हम सभी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पैक किया है कंपनी ने, पन्नी से भी कवर किया है ताकि पानी से भीगे ना रास्ते में। और आप देख सकते हैं ये फ्रंट पैनल है, यानी कि ऊपर से आपको मिक्सर कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि 24 प्रकार के इफ़ेक्ट दिए गए हैं और इसमें 2 इफ़ेक्ट दिए हैं। दोस्तों इसकी टेस्टिंग मैं आपको लाइव सेटअप पे करके दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं पीछे का जो बैक व्यू है कुछ इस प्रकार से है। इसमें जितने भी XLR सॉकेट दिए गए हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिक के हैं। और आप देख सकते हैं ये इनपुट होता है, यानी कि माइक इनपुट कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन इनपुट, और 4 में आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, 1 से 4 तक। आपको ऊपर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नॉब दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ इस प्रकार से आपका मिक्सर दिखता है। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और भड़काऊ मिक्सर है। आप इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होगा। ये आप देख सकते हैं ये गेन का नॉब है, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये 75 हर्ट्ज पे इसको आप कर सकते हैं, बेस कट कर सकते हैं। 1 से 8 तक आपको कंप्रेसर भी दिया है, काफ़ी अच्छा कंप्रेसर इसका है, हाई, हाई मेड, लो मेड और बेस। इसके साथ में 3 ऑक्स जिसमें कि प्री पोस्ट का ऑप्शन, 2 इफेक्ट और पैन का नॉब दिया गया है। ये आप यहां से इसको म्यूट कर सकते हैं इस चैनल को। उसके बाद सोंगो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेन लेफ्ट राइट आउटपुट और फेडर, बहुत ही अच्छे फेडर हैं इसके और बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट है। ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का आउटपुट है, फेडर है, उसके बाद मेन फेडर है लेफ्ट राइट, उसके बाद 2 इफेक्ट के फेडर हैं। बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट प्रोसेसर है। आपको दोनों चैनल मेन में ग्राफिक इक्वलाइजर भी मिल जाता है। यहाँ से आप प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2, यानी कि FX 1 FX 2। ये आपका मीडिया प्लेयर होता है, यहाँ से आप ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग और जो भी आपको बजाना है वो आप यहाँ से बजा सकते हैं। मीडिया में हाई और लो और मेन गेन, ये तीनों नॉब इसमें आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपके इफेक्ट का जो पैरामीटर है उसके नॉब दिए गए हैं। उसके बाद ऑक्स 1 और ऑक्स 2 में कितना कितना आपको इफेक्ट भेजना है उसका भी नॉब दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ऑक्स रिटर्न का है, और उसके बाद 1 2 3 ऑक्स सेंड, उसके बाद इफेक्ट सेंड का भी ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। दोस्तों मिक्सर में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही अच्छा मिक्सर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन आउटपुट का भी नॉब दिया गया है, जिसमें आप हेडफोन से मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या आउटपुट जा रहा है। 10 तक इधर हैं, बाकी 11 से 18 तक चैनल दूसरी साइड हैं। बहुत ही अच्छा मिक्सर है, और 2 पार्ट में बांट के इसको आसान कर दिया गया है। पीछे मेन आउटपुट XLR है, उसके बाद KRS में भी है, इंसर्ट का भी ऑप्शन दोनों चैनल में दे रखा है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का आउटपुट है, उसके बाद 1 से 5 तक ऑक्स सेंड है और ऑक्स रिटर्न लेफ्ट राइट है। रिकॉर्डिंग आउट और मीडिया एग्जिट इसका भी ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं 9 और 10 चैनल स्टीरियो आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट सॉकेट और ऑन ऑफ का बटन है। ORV 1822 बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा मिक्सर है। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बजा के ही दे सकता हूँ। और दोस्तों अभी आप इसका इफेक्ट जो है उसकी सेटिंग सुनेंगे। चेक, चेक, चेक। वन, 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 वन।
अब दो नंबर पर देखो हम कहाँ लगाए थे, जैसे यही का इफेक्ट दूसरा कितना रहा। आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट नंबर पे 14 नंबर का इफेक्ट सेट किया है, ये देख सकते हैं फर्स्ट इफेक्ट में। दोस्तों मैंने फर्स्ट इफेक्ट ही इसमें यूज किया है और आप देख सकते हैं फर्स्ट का मैंने जो पैरामीटर है वो कुछ इतना बढ़ाया है और उसके बाद फिल्टर इतना बढ़ाया है और इसके बाद यहाँ से जो मेन हमारा माइक का इफेक्ट है वो इतना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट हो वो कमेंट में टाइप करें। और जब तू